तो वेलकम बैक टू माय चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। सही में यार ये मतलब ना, मैं सोचता हूँ वीडियो ना बनाऊँ, मैं ठंडा हो जाता हूँ। मैं बंदे मेरे को मैसेज करना चालू कर देते हैं कि क्या यार सब वीडियो बना रहे, मतलब 24 घंटे हो गए तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है। वहाँ पर इतनी ट्रोलिंग लेवल की, अलग लेवल की ट्रोलिंग चल रही है। हाँ, यहाँ पर बन रहा है कि CIA का कॉपी है। अरे भैया, अरे बाबा, इन लोग सब कोई मूवी नहीं देखने वाले लोग। अरे इन लोग सब कोई मूवी, ये ना मोस्टली नॉर्थ के ऑडियंस है, मैं बता रहा हूँ। ये हिंदी ऑडियंस ही सब चोदी करता है, ये और कोई ऑडियंस, बाकी ऑडियंस बहुत क्लेवर है, चला गया। अभी फैंस क्या, फैंस तो भाई ऑब्वियसली वर्स्ट एट वर्स्ट सिचुएशन में भी सपोर्ट करेंगे, दैट इज़ नॉट, वो उनका वो इशू नहीं हुआ, दैट इज नॉट एन इशू। अभी प्रभास के फैंस बोलो ये कर रहे हैं ट्रोलिंग कर रहे हैं, सलमान खान के फैंस ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो भाई बैड फेस भी पता है, गबुन फटी हालत है, लेकिन उसमें भी क्या है कि सपोर्ट वो चलता है। वो मैं मतलब पर्सनली बोल नहीं रहा हूँ दोनों को, कोई भी स्टार का कोई भी फैन हो, मतलब अगर सिचुएशन भी अभी बुन फटी सिचुएशन होती है उसमें भी वो लोग सपोर्ट करते हैं, दैट इज फैनशिप। लेकिन इसमें कौन होता है, इसमें जो इस सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ, ये हिंदी के जो नए नए चिनमा लोबर्स अटेंशन सीकर्स है ना, जो अभी चार लोग यहाँ पर मूवी लवर्स बात कर रहे हैं, उसके बीच में घुसकर बोलेंगे KGF, ए तुमको मूवी का ज्ञान नहीं क्या, टाइटैनिक KGF, जेम्स कैमरॉन का बाप, प्रशांत नील जेम्स कैमरॉन का बाप, टाइटैनिक फिल्म का बाप, अवतार क्या है, अवतार कुछ नहीं, ब्लू है, KGF सब ब्लैक है। तो ये लोग जो नया चिनमा लवर्स है ना, सिनेमा का सीन को नहीं पता, ये लोग जो उछलते हैं ना उनके लिए होता है मोस्टली। अभी क्या हो गया कि मार्केट में नया चीज़ फैला है कि डंकी CIA फिल्म का, बाप रे बाप, वो फिल्म देखा है रे, वो फिल्म 2 से 3 बार देखा। वो क्यों देखा पता मेरे, इसलिए देखा कि उसमें भाई एक तो एक वो जो लव स्टोरी है वो थोड़ा सा लव स्टोरी के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, वो क्यों है वो फ्यूचर में पता चलेगा, मैं बताऊँगा। लेकिन उसके अलावा वो फिल्म ऑल दिलकर सलमान की जो फिल्म है, वो फिल्म दिलकर सलमान की, मतलब मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 90% ऑफ द फिल्म मैंने सारी फिल्म्स देखी है। इवन मैं एक फिल्म सजेस्ट करूँगा उसका, चुप हिंदी में आया हुआ है, वो देखो, उसके बाद बताओगे कि एक्चुअल सिनेमा लवर्स किसको बोलते हैं। वो फिल्म में बहुत परफेक्ट सीख दिया हुआ है, परफेक्ट सी वे टू सेव इंडियन सिनेमा, वी हैव टू डू दिस एंड दैट्स व्हाट। मैं बस क्रिमिनल नहीं हूँ उस फिल्म का, लेकिन जो वर्जन ऑफ विलन है वो मैं ही हूँ। तो चीज़ें चलो ठीक है, उसको साइड करो। वो फिल्म मैंने देखा है भाई, अगर रियल मैनर में बोलूँ ना, वो फिल्म की स्टोरी हूबहू डिटो कॉपी, फिल्म का स्टोरी नहीं, फिल्म का कंसेप्ट, स्टोरी अलग होता है। इन सिनेमा लवर्स को कुछ नहीं पता स्टोरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, डायरेक्शन क्या होता है, इनको कुछ नहीं। इनको अवतार चूतिया फिल्म है, अवतार चूतिया फिल्म, पुष्पा। तो ये नए नए जो 4-5,000 crore फिल्म्स देखकर जो कर रहे हैं ये लोग, तो इनको साइड करो, इनको कुछ, ये सारे नॉर्थ के ऑडियंस है, ये साउथ के अंदर में इतने मतलब ये कम वाला ऑडियंस नहीं है। यहाँ पर सबको पता है कि क्या सीन है, अभी सिचुएशन सही नहीं है भाई, वो क्लैश नहीं करना चाहिए था, उधर भी नुकसान है और इधर तो डिस्ट्रक्टिव नुकसान होने वाला है, राजकुमार हिरानी है वो, तो वो सब चीज़ों को साइड करो। CIA जो फिल्म है ना, CIA फिल्म, वो पूरा का पूरा उसका कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट एज़ इट इज़ कंसेप्ट वीर ज़ारा में, एज इट इज़ कंसेप्ट है, यह आज का नहीं है। CIA मैंने कब देखा था पता है, ये मैंने, मेरे को लग रहा है ये मैं अगस्त या, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थोड़ा सिचुएशन वो चल रहा था, तो अगस्त में ही मैंने, मेरे को याद है शायद, आई गेस अगस्त में मैंने वो फिल्म देखी थी। वो फिल्म का पूरा कंसेप्ट वीर ज़ारा फिल्म है, पूरा कंसेप्ट। लेकिन मैं उस फिल्म को कतई, मैं उस फिल्म को वीर ज़ारा का कॉपी नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्या है कि ना, अभी हर चीज़ों को अपन कॉपी बोलेंगे ना, तो इस बात में अपन ये बोलेंगे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको देखकर जाकर बोलो कि तू लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरह दिख रहा है, या तो तू शाहरुख खान की तरह दिख रहा है। क्यों? तुम्हारे 2 हाथ है शाहरुख खान के, 2 हाथ है तुम्हारे, 2 आँख है शाहरुख खान के, 2 नाक है, तो 2 आँख है तुम्हारे, 1 नाक उसका भी 1 नाक, तो तुम कॉपी हो शाहरुख खान का, कॉपी आ गया। तो ये तो नहीं बोल सकते ना, तो ये लोग सिनेमा के नाम पर धप्पा, पूरे इंडियन सिनेमा के नाम पर कलंक, ये लोग कलंक, ये व्यूअर्स लोग ही जाकर पूरा कचरा करते हैं। वही टाइप का फिल्म फिर बॉलीवुड बनाता है, वही किस्म का फिल्म फिर बॉलीवुड बनाता है। इवन शाहरुख खान के मामले में ले लो, वो बंदे ने इतना अटेम्प्ट एंड ट्राई किया फैन जीरो जैसी फिल्म का, वो अटेम्प्ट किया। अगर वो सारी चीज़ों को अगर अपन सपोर्ट करते ना, तो बंदा आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर ना ऐसी वर्ल्ड क्लास फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ लाइक
क्रिटिक्स अक्लेम इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, इन टर्म्स ऑफ ऐसी ऐसी फिल्म दे देता ना, ख़त्म हो जाता भाई। वो जेम्स कैमरॉन लेवल का जो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ना, वो टेक्नोलॉजी में फिल्म्स बनाता रहता। तो एक सुपरस्टार हमारे पास होता जो टेक्नोलॉजी पे फिल्म, टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिल्म्स बना रहा है। तो ये लोग मतलब ये वही ये कलंक, ये सब सिनेमा के नाम पे, मतलब सिनेमा लवर्स के नाम पे कलंक, ये लोग ही ये सब न्यूसेंस फैलाते हैं। अभी ये लोग बोल रहे हैं डंकी इज कॉपीड फ्रॉम CI। भाई डंकी जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है ना, उस कंसेप्ट पे तो बॉलीवुड पे तो अभी तक फिल्म नहीं आई। पंजाबी में एक फिल्म आई हुई है लेकिन बॉलीवुड में फिल्म नहीं आई। अभी अगर उसको कॉपी बोलोगे तो तुम्हारे को देखकर पक्का नर्स ने भी ये बोला होगा, ये देखो KRK का कॉपी आया है, उसका भी 2 आँख, उसके भी 1 नाक, उसके भी 1 मुंह, उसके भी हाथ पैर, ये भी सेम है, ये तो KRK कमल आर खान है, ये तो बॉबी द मैटनी आइडल है, देख कर बोला ही होगा। तो अगर ऐसा कंसेप्ट एंड ब्रेन यूज़ करोगे उसमें वो इसमें ये, तो चलेगा नहीं। मैं नहीं बोल रहा CIA इज वीर ज़रा कॉपीड फिल्म, कंसेप्ट सेम है बहुत हद तक चीज़ें। एक सीन भी है उसमें, वो जब वो आती है लाइक वो दोनों एक दूसरे को देखो, वो सीन भी लगभग थोड़ा सेम लगता है, बट वी कैन से कि वो फिल्म कॉपीड है, क्योंकि वो सिर्फ कंसेप्ट उठाने से फिल्म सेम नहीं हो जाता। कंसेप्ट के हिसाब से तो धूम, रेस, सारी फिल्म को तो बैंड कर देने, एक दूसरे के कॉपी, उसमें बाइक है इसमें कार है, बस और क्या है। तो CIA का कॉपी राजकुमार ईरानी का फिल्म है, क्या मजाक करता है भाई। राजकुमार ईरानी का फिल्म सब हॉलीवुड कॉपी करके जाता है, पूरा का पूरा साउथ इंडिया कॉपी करके जाता है उसका फिल्म, क्या मजाक कर रहा है क्या भाई, दिमाग उमग के हिल गया है क्या। और वो जो दूसरा वाला, वो 1000 करोड़ वाला, वो तो भाई उसका 35 साल का करियर में भले डिप हो जाए, करियर ख़त्म हो जाए, करियर कवर के नीचे गड़ जाए, शमशान में जल जाए, बंदा कॉपी नहीं करेगा। बंदा कुछ भी चीज़ उठाएगा, अब भले ही कुछ सीन्स, थोड़े सीन्स हो तो भाई सबके होते। इवन टाइटैनिक में भी जाकर उठाकर चेक कर लो, लोग दोनों हाथ ऐसा फैलाए, मतलब अभी लायंस किंग में भी दोनों शेर ऐसे ऐसे करके चलते, तो दोनों सीन सेम नहीं है, तो वो तो होना नहीं है, तो वो भी कॉपीड। तो तुम लोग मतलब ये नए नए चिनमा लोबर्स, ये नॉर्थ के चिनमा लोबर्स, इनको पता कुछ नहीं है, ज़िंदगी भर बॉलीवुड की फिल्म क्रिश कोइमल का देखकर ये लोग पैदा हुए, ओम शांति ओम देखकर ये लोग बड़े हुए, ये जाकर KGF पुष्पा ये 2-3 फिल्म देखकर ग्रुप के बीच में घुसकर अपने आप को कूल एंड चिल समझते, चिल एंड कूल, हम लोग सिनेमा लवर्स, अमेरिकन कुछ नहीं पता, अपन अक्षय कुमार बेकार है, KGF RRR मास्टरपीस, ऑस्कर। तो ये लोग अभी सिखाते कौन सी फिल्म किसकी कॉपीड है। तो भाई मजा गए क्या, राजकुमार ईरानी के दिमाग का दही कर रहे हो क्या, पागल वागल हो गए, किसको बोल रहे हो भाई कॉपीड की है, हिल गया क्या ये। वो राजकुमार ईरानी है, उसका फ्रेम कॉपी बन के एक फिल्म बन जाएगा भाई, उसका एक सीन, सिर्फ एक सीन को उठाकर आदमी फिल्म बना सकता है, राजकुमार ईरानी है। तो मैं उस फिल्म मेकर को इस लेवल पे इसलिए मांगता हूँ ना, कभी भी ना हर एक फ्रेम उठाकर उस फिल्म उसके, मतलब अगर रियल में सिनेमा के बारे में नॉलेज रखते हो तो उसके फिल्म्स का फ्रेम्स उठाकर चेक कर लो, हर एक फ्रेम में कुछ ना कुछ है। इवन डंकी का मैं एक प्रोमो जो आया ना, वो प्रोमो में बहुत लोगों ने ये चीज़ नोट नहीं, 90% लोगों को ये चीज़ नोट नहीं किया होगा, जब वो प्रोमो में ऐसा प्लेन उड़ता है ना, वो प्लेन के नीचे लोग चल के जा रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ को ऐसा डिफ्रेंशिएट करके क्यों दिखाया गया है पता है, उसका मीनिंग बताया गया है कि लोग वीज़ा के साथ ऐसे जाते हैं, बिना वीज़ा के साथ ऐसे जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द राजकुमार हिरानी फिल्म मेकिंग इज़ ब्रो, हैव सम नॉलेज देन वॉच द फिल्म देन टेल, इतने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स कॉपी करते हैं। तो सो दिस इज़ वीडियो इज़ अबाउट दैट कि CIA का कॉपी है डंकी, देखते हैं कौन किसका कॉपी हो, तो वक्त बताएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।